गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम जो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स कल हमने देखे थे और उसका क्लासिफिकेशन जो है मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल की क्लास में ही आपको कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा जिसे हम वो कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक मेटाजोन्स, जिनका टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहता है और जिनके अंदर नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट रहते हैं और इसके अंदर सिंगल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी रहती है जिसे हम कहते हैं सिलेंट्रॉन, उसी के आधार पर इसका नाम दिया गया है सिलेंट्रेटा। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जो सिलेंट्रेटा, पहले तो मैं आपको ये टेबुलर फॉर्म बताऊंगी और इसके बाद हम एक एक इसके क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन किसके उस पर है, दैट इज ये क्लासिफिकेशन जो दिया, मैंने कहा है कि हर उसमें आपको साइंटिस्ट का नाम लिखना रहेगा जिसने क्लासिफिकेशन दिया है, क्योंकि कुछ में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है कि कुछ उसको अलग ज़्यादा ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं या कुछ फर्दर वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो क्लासिफिकेशन में आपको मैंशन रहेगा कि क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो आपको दिख रहा है प्रेजेंट फाइलम सिलेंट्रेटा क्लासिफिकेशन, ये दिया हुआ है एल एच हाइमन ने 1940। अब ये क्लासिफिकेशन जो है किस आधार पर दिया हुआ है, ये दिया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जॉइड्स। जो जॉइड्स डेवलप होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जॉइड्स का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और उसी के आधार पर इसको जो जॉइड्स डेवलप होते हैं उसी के आधार पर इनको हमने फर्दर थ्री क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो पहला जो है आप देख रहे हैं इसके अंदर, वी कैन जस्ट सी इसमें है कि फर्स्ट है क्लास हाइड्रोजोआ, सेकेंड क्लास है स्काइफोजोआ और तीसरी क्लास जो है एंथोजोआ और एक्टिनोजोआ। नो फर्स्ट क्लास जो हाइड्रोजोआ, जैसे हाइड्रोजोआ का मतलब हाइड्रा मीन्स वाटर, जोअस मीन्स एनिमल। तो ये जो हाइड्रोजोआ है हम देखेंगे, फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स में बाद में बताऊंगी आपको, बट मेनली ये ध्यान रखना आपको कि ये हाइड्रोजोआ का है। यूजुअली क्या रहेंगे, सॉलिटरी मतलब सिंगल रहेंगे एंड फ्रेश वाटर के, और कुछ जो रहेंगे कॉलोनियल एंड मरीन। मोस्टली आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम इनवर्टेब्रेट्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, मरीन, ओके, बट ओनली फ्यू एक्सेप्शंस जो हैं वो फ्रेश वाटर रहते हैं। तो इवन यहाँ पर सिलेंट्रेटा में भी हम जैसे देखते हैं, इसके अंदर जो रहेगा हाइड्रोजोआ जो है, इसके कुछ फॉर्म जो रहेंगे क्या रहेंगे, दे वुड बी फ्रेश वाटर फॉर्म्स, ओके। तो फर्स्ट होगी इसकी क्लास हाइड्रोजोआ, सेकेंड क्लास स्काइफोजोआ एंड थर्ड एंथोजोआ और एक्टिनोजोआ। नाउ कमिंग टू द क्लास हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ के अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें मेंशन करा हुआ है, दैट इज इसके फाइव ऑर्डर्स, ओके, फाइव ऑर्डर्स मेंशन है। मैंने यहाँ पर मार्क भी कर रखा है कि जो जो इम्पोर्टेंट आपको, जैसे फर्स्ट क्लास है हाइड्रोइडिया, हाइड्रोइडिया जो है ये इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम नहीं देखेंगे बट हाइड्रोइडिया का कैरेक्टरिस्टिक आपको इम्पोर्टेंट है। वाई हाइड्रोइडिया का कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसका मेंबर जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रा भी, और इसके एग्जांपल जो हाइड्रा एंड ओबिलिया, ये दोनों आपको प्रैक्टिकल में है, तो इसलिए हम लोगों को ये हाइड्रोइडिया का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना रहेंगे। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी जब क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हाइड्रोइडिया के भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगी। नेक्स्ट जो है हाइड्रोकोरलिना है, इसका हाइड्रोकोरलिना या कुछ उसमें मेंशन किया हुआ मिलीपोरिना आप बोले, तो इसका एग्जांपल जो रहेगा मिलीपोरा, ओके। थर्ड वाला रहेगा दैट इज स्टाइलास्टेरिना, इसका एग्जांपल स्टाइलास्टर वो हमें नहीं है, मिलीपोरा भी आपको पहले है प्रैक्टिकल में। देन नेक्स्ट वाला है ट्राइक्लिना, ये भी हमें नहीं, एग्जांपल एग्जीना जो है ये भी हमें नहीं करना है। तो एंड द फिफ्थ ऑर्डर इज साइफनोफोरा, तो साइफनोफोरा भी इम्पोर्टेंट है हमें, क्यों, बिकॉज इसके तीन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मार्क करके दिखा रखे हैं आपको, कि पॉर्पिटा, फाइसिली एंड वलीला, ये तीनों ही एग्जाम्पल अभी आपको प्रैक्टिकल में पढ़ना है। तो कौन से आपको ये तीन ऑर्डर्स ध्यान रखना रहेंगे, हाइड्रोइडिया का,
फैमिल फोरमिना या हाइड्रोफोरमिना एंड थर्ड वाला जो रहेगा साइक्लोफोरा। तो ये ही तीनों आपको ध्यान रखना रहेगा। फर्दर इसका हमें सब ऑर्डर जैसा क्लासेस वो नहीं करना है, सिर्फ क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक पर की ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज द क्लास स्काइफोजोआ। नाउ स्काइफोजोआ का स्काइफस ये भी क्या है, ग्रीक शब्द से बना है। और ग्रीक स्काइफस का क्या मतलब रहता है, कप जॉयस, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है स्काइफोजोआ, स्काइफस और जॉयस। स्काइफस का मतलब रहता है कप और जॉयस का मतलब रहता है एनिमल। तो इसमें जो रहता है ये क्या इंक्लूड करता है, लार्ज जेलीफिशेस और ट्रू मेडुसा एंड एक्सक्लूसिवली मराइन जो रहता है इसमें, ये मेनली है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अभी तो जस्ट मैं कैरेक्टरिस्टिक में वापस रिपीट करूंगी कि ये क्या है स्काइफोजोआ मेनली क्या है, कप शेप्ड एनिमल्स रहते हैं और ये क्या इंक्लूड करेंगे, लार्ज जेलीफिशेस। ठीक है, नाउ इसके जो ऑर्डर्स हैं, अगेन वी आर सेइंग इसके अंदर कितने ऑर्डर्स दिए हुए हैं, दैट इज यू कैन जस्ट सी अगेन फाइव, दैट इज स्टेरोमेडुसी, देन यू वुड सी क्यूबोमेडुसी, देन कोरोनेट, देन सीमेस्टोस्टोमी एंड राइजोस्टोमी। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है, ये मैं माफ करना भूल गई, द फोर्थ वन ऑर्डर इज दैट इज सीमेस्टोस्टोमी, ये है हमें ध्यान रखना क्योंकि ऑरेलिया इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और ये हमें आपको अगेन प्रैक्टिकल पॉइंट से भी एंड थियोरेटिकल पॉइंट से भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे कंसर्न का, राइजोस्टोमी। इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको अभी जब क्लास के बताऊंगी तो नेक्स्ट उसमें इसके क्लास वो भी बता दूंगी। तो इसका एग्जाम्पल भी राइजोस्टोमा भी हमें है। एंड देन द थर्ड एंड द लास्ट वन जो है इसका वो है कौन सा, एंथोजोआ और एक्टिनोजोआ। एंथस ये भी दो शब्दों से बना, एंथस एंड जॉयस से। एंथस का मतलब क्या रहता है, फ्लावर, और जॉयस का एज यूजुअल मालूम है आपको एनिमल। तो इसमें जो एनिमल रहता है फ्लावर शेप का, यू कैन जस्ट सी कि इसका माउथ जो रहेगा दैट इज द फ्लावर शेप, हेंस इसका हमने बोला एंथोजोआ और एक्टिनोजोआ। अगेन इसका जो है वी वुड जस्ट सी कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन देखना है, इसमें ये दो सब क्लासेस हैं। ओके, तो ये सब क्लासेस कौन सी हैं, सब क्लासेस एल साइनोरिया और ऑक्टोकोरेलिना है इसका नाम। देन एंड द नेक्स्ट सब क्लास इज द ज़ोएन्थेरिया। अब इसके जो फर्दर ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स कौन से हैं, वी वुड जस्ट सी, वो रहेंगे दैट इज स्टोलिनिफेरा, दैट इज कैल्कुलेरिया, हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट जो है टेलिस्टी, दैट इज टेलिस्टेकिया, ये भी हमारे इसमें नहीं है। बट थर्ड वन जो मैंने अगेन मार्क कर रखा है गॉर्गोनिसिया, गॉर्गोनिसिया है, ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिकल में करना है, गॉर्गोनिया एंड कोरेलियम। देन अगेन नेक्स्ट वाला एल सायोनी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एल सायोनियम हमको पढ़ना है। नेक्स्ट वाला पेनेटुलेसिया, ये भी ध्यान रखना है, ये भी पेनेटुला आपको पढ़ना है। एंड द लास्ट वन इसका जो रहेगा दैट इज द सिनोसेलिया, दैट इज हेलियोपोरा, ये अभी आपको नहीं है, बल्कि बच्चे आगे पीजी करेंगे उनके लिए ये वाला इम्पॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वाला जो इसका है दैट इज सब क्लास ज़ोएन्थेरिया, इसके जो ऑर्डर्स हैं वो मेंशन है यहाँ पर, दैट इज एक्टिनेरिया, देन ज़ोएन्थेरिया, हमें ये सब नहीं है, सेरेन्थेरिया ये भी नहीं है हमें, देन इवन ये भी नहीं है एंटीपैथेरिया, बट ओनली द लास्ट वन आपको जो है फिफ्थ वाला ऑर्डर वो ध्यान रखना, इसका कौन सा है, मैड्रिपोरेरिया। मैड्रिपोरेरिया के अंदर जो है ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों को पढ़ना है, ये भी है मैड्रिपोरा, फेविया, ये सब ये दोनों एग्जाम्पल्स अभी आपको हैं, बट ओक्यूलिना और एस्ट्रिया जो अगर आप फर्दर करेंगे तब नेक्स्ट क्लास में। तो ये तो हो गया एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। अब इसका जो फर्दर क्लासेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, वो अभी मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करती हूँ। हम आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।